हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कौन है, इसके अंदर जो मोबाइल फेज होती है वो क्या होती है, स्टेशनरी फेज क्या होती है, वो क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी के टाइप, है ना। देखो बेटा, स्टेशनरी फेज के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की होती है। ठीक है, किसके बेसिस पे? स्टेशनरी फेज के बेसिस पे। कितने तरीके की होती है क्रोमेटोग्राफी? दो तरीके की। कौन सी? एक होती है शीट क्रोमेटोग्राफी, एक होती है कोलम क्रोमेटोग्राफी। देखो, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, शीट मतलब यहाँ पे कोई शीट यूज होने वाली है। ठीक है, उस शीट के ऊपर हम लोग क्रोमेटोग्राफी करेंगे, और ये जो शीट है दैट इज स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब दूसरा में है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मतलब यहाँ पर शीट के जगह पे क्या रहा है, किसी भी हम कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, जैसे ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और ये है शीट क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, अब शीट क्रोमेटोग्राफी फर्दर दो में डिवाइडेड होती है, मतलब शीट क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की होती है। कैसी? एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, एक जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी और जीएलसी। ये हमारे क्रोमेटोग्राफी के टाइप है। ठीक है, क्या अभी तक क्या पढ़ा हमने? क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। ठीक है, कितने कौन कौन से तरीके की? शीट क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। शीट क्रोमेटोग्राफी में हम शीट का इस्तेमाल करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम कोई भी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। जो शीट क्रोमेटोग्राफी है वो फर्दर दो में डिवाइडेड है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो फर्दर सात सात में डिवाइडेड है, मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर फिर फर्दर सात तरीके की क्रोमेटोग्राफी होती है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी और जीएलसी। अब इन सब चीजों का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे को सीयूईटी पीजी के लाइफ साइंसेस के पेपर कोड SCQP 17 में रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शीट क्रोमेटोग्राफी से। जो शीट क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर हमारा सबसे पहला कौन सा आएगा, कौन सी वाली टाइप की क्रोमेटोग्राफी आएगी? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बेटा ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज लिक्विड लिक्विड पार्टीशन। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखो, प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और प्रिंसिपल के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? लिक्विड लिक्विड पार्टीशन। ठीक है, अब ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय साइंज एंड मार्टिन एंड दे बोथ शेयर द नोबेल प्राइज इन 1950। अब सारी क्रोमेटोग्राफी में मेन चीज क्या होगी? एक तो उसका प्रिंसिपल और वहां पर स्टेशनरी फेज कौन सी है और मोबाइल फेज कौन सी। ठीक है, अगर इन तीन चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो क्रोमेटोग्राफी में कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी स्टेशनरी फेज जो है वो क्या है? वो है पोलर इनऑर्गेनिक सोलवेंट और वो क्या है? वॉटर। ठीक है, अब पेपर जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो स्टेशनरी फेज को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी हमारी स्टेशनरी फेज। ठीक है, देखो हमने देखा ना प्रिंसिपल में क्या है, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन। तो एक तो स्टेशनरी फेज में ये लिक्विड हो गया पार्टीशन के लिए, है ना, और यहाँ पर पानी को रन करने के लिए हमने एक पेपर का इस्तेमाल किया, एक पेपर की शीट का इस्तेमाल किया। तो स्टेशनरी फेज यहाँ पे क्या होगी? पोलर इनऑर्गेनिक सोलवेंट वाटर। ठीक है, और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पेपर आ गया। अब जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, स्टेशनरी फेज अगर हमारी पोलर है तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, मोबाइल फेज हमारी कैसी होगी? नॉन पोलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोबाइल फेज क्या हो गई? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो
शीट क्रोमेटोग्राफी के अंदर पहला हम क्या पढ़ेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन। लिक्विड लिक्विड पार्टीशन की जो क्रोमेटोग्राफी होती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, उसको फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया था, साइंज एंड मार्टिन ने, और इन दोनों को 1952 में नोबेल प्राइज मिला था इस इन्वेंशन के लिए। ठीक है, अब मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज समझ आने के बाद में हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो और नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, अभी यहाँ पे समझो, इंडाइस को समझो, फिर आगे मैं डिटेल में इसको समझाऊंगी। देखो क्या होता है रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू इज द रेशियो ऑफ सोल्यूट्स डिस्टेंस ट्रेवल टू द सोलवेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट यानी कि हमारा सॉल्यूट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट ने हमारा कितना रन किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा अब कोई मुझे बताएगा कि आरएफ की यूनिट क्या होगी। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, आरएफ वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी। हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, मतलब मीटर में, मीटर तो पूरी स्ट्रिप मीटर की नहीं होगी बच्चे, सेंटीमीटर। बेटा देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, डिस्टेंस की जो भी यूनिट होती हो, एक्स वाई जी मान ली हमने, ठीक है, एमएम मान ली, कितने मिलीमीटर चल रहा है। ठीक है, नीचे वाला डिस्टेंस भी मिलीमीटर में ही होगा, तो बेटा ये ऊपर से नीचे की कट नहीं जाएगी क्या यूनिट, तो यूनिट तो इसकी कुछ हुई नहीं, रेशो की कभी कोई यूनिट होती है क्या, इतने ज्यादा समझदारी वाले काम ना किया करो बच्चे। ठीक है, तो हमारी आरएफ वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट और सॉल्यूट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखो ऐसा करना होता है, हमारे हम एक पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, ये पेपर की स्ट्रिप हमारी क्या हो गई, स्टेशनरी फेज। ठीक है, यहाँ पर लगभग 1 सेंटीमीटर पर हम एक ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर सैंपल लोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सैंपल लोड करने के बाद में इसको हम या मिक्सर में डाल दूंगे। ठीक है, मोबाइल फेज में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी मोबाइल फेज। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये यहाँ पे ये। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये मोबाइल फेज धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, ये सैंपल्स के अंदर जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करते जाएगी। ठीक है, तो हमारे ये सेपरेट होकर के हमको मिल गए। ठीक है, ठीक है, हमको ये सैंपल ऐसे मिल जाएंगे। अब हम इस स्ट्रिप को जब बाहर निकालेंगे तो को बाहर निकालेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिप को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट हमारे बाहर निकल के। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिप के ऊपर ये जो हमारे को एक पैटर्न नजर आ रहा है एब्जॉर्बेंट मीडियम के ऊपर, कंपोनेंट का जो ये पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि क्रोमेटोग्राफी से बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो क्या है ये कि क्रोमेटोग्राम क्या होता है, कि क्रोमेटोग्राम इज अ पैटर्न फॉर्मड ऑन द एब्जॉर्बेंट मीडियम बाय द लेयर ऑफ कंपोनेंट सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पर जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है, ये है सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, क्या है ये, सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट। अब सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, सॉल्वेंट फ्रंट ये होता है, जैसे बेटे ये मोबाइल फेज ऊपर को कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर पे गई है ना, तो ये वाला वो लाइन है जहां पे कि मोबाइल फेज पहुंचती है, इससे आगे वो नहीं पहुंच पाएगी, तो इसी लाइन यहाँ पे ना हम एक लाइन खींच देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट, जो कि हमारा सॉल्वेंट जहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई, क्रोमेटोग्राम क्या होता है, क्रोमेटोग्राम एक तरीके का पैटर्न होता है जो कि एब्जॉर्बेंट मीडियम के ऊपर बनता है कंपोनेंट्स की
सेपरेट होने के बाद में, ठीक है। तो अब ये हमारा क्रोमेटोग्राम हो गया। चलिए अब हम आरएफ वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आरएफ वैल्यू कैसे निकलेगी, ये है हमारा सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। एक बात जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो आरएफ वैल्यू होती है ये हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। देखो आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जो ए है, ए ने जो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से लेकर के जहां तक ये पहुंचा है, ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो बी कंपोनेंट का है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 7 है, और जो हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब है कि जो सॉल्वेंट है वो 10 सेंटीमीटर तक मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम निकालनी है आरएफ वैल्यू। तो आरएफ वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉम्पोनेंट, तो ए ने कितना चला, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कट गई यूनिट, ठीक है। तो अब हमारी आरएफ वैल्यू कितनी होगी, 0.5, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन क्या है। देखो जब भी हम कोई भी फर्मेंटेशन या राइपनिंग की प्रोसेस को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जो कंपाउंड फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्रेशन है उसके लिए, उस अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी ड्रिंक या फूड में कोई कंटेमिनेंट है तो उस कंटेमिनेंट के डिटेक्शन के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल लेबोरेटरीज में रिएक्शन मिक्सचर को जानने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें ह्यूमन और एनिमल में ड्रग का को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को ही इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारी मोबाइल फेज क्या होती है, हमारी स्टेशनरी फेज क्या होती है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आरएफ वैल्यू क्या होती है, आरएफ वैल्यू की यूनिट क्या होती है, ठीक है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या है आ गया है। तो आशा करती हूँ कि ये आपके फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा सीयूईटी पीजी का उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।